नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, महाभारत युद्ध चलुला, कर्ण एवं अर्जुन दुईज मध्य द्वंद्व चलुला, किंतु दर्शक बंधु कण आपण मैंने जानते कि कर्ण अनेक थर अर्जुन को जीवनदान प्रदान करते आँ थी यह पछर कहानी। आज खास भिडियो आम आपण मानक विषय कहबु। दर्शक बंधु, महाभारत युद्ध रे कर्ण एवं अश्वत्थामा दुई महाशक्तिशाली योद्धा थिले, किंतु एही दुई जणक सहित छलना करा जायतिला, नहले महाभारत युद्ध कौरव माने जीति जायथांते। कहा जाय कि जदि अश्वत्थामा को प्रथम रु ही सेनापति कर दिया जायथांता, ताहले तीनी दिन रे ही युद्ध समाप्त हो जायथांता। किंतु अश्वत्थामा को जेतेबेले युद्ध मोटामोटी कौरव मैंने हार बसी थिले, ठीक से बेले सेनापति करा जाइथिला, आउ से आतंक सृष्टि करदेले। से ही भली भावरे जदि कर्ण सहित छलना करा जाय नथांता, ताहले युद्धर परिणाम किछि अलगा ही हेइथांता। सर्वप्रथमे कथा हेबा कर्ण कवच एवं कुंडल विषय। भगवान कृष्ण एवं अर्जुन पिता देवराज इंद्र बहुत भल भाव एक जाथिले कि जे पर्यंत कर्ण पाखरे कवच एवं कुंडल रही से पर्यंत कही भी मारी पारे ना। श्रीकृष्ण कहिबा अनुसार देवराज इंद्र ब्राह्मण बेश धारण कर दानवीर कर्ण को कवच एवं कुंडल मागिले, एवं कर्ण हसी हसी से ही कवच और कुंडल देवराज इंद्र को प्रदान करदे। किंतु से एही कवच और कुंडलर प्रतिबदल एक अमोघ अस्त्र देथिले। एही अमोघ अस्त्र एक बहुत बड़ घातक अस्त्र थिला, जहार ना नेकी एहाकु छड़ा जीव तार मृत्यु सुनिश्चित अटे एवं ताकु केही मध्य बंचेई पारिबे नाही। युद्धरे जेतेबेले घटोत्कच कौरव मानकर सेना को मारिबाकु आरंभ करितिला, सेतेबेले दुर्योधन व्यस्त होई उठिले, आउ एमितिरे तांको बुद्धि देखा जाउनथिला कि सेबे करिबे कोन। आउ ठीक सेतिकी बेले श्रीकृष्ण कर्ण को कहिले, आपणक पाखरे अमोघ अस्त्र रहिछि जहाद्वारा केही मध्य बंची पारिबो नाही, तेणु आपण एहाकु व्यवहार काहेकि करुनाहांती। कर्ण कहिबाकु लागिला, ना एही अस्त्र को मो अर्जुन रखी। तापर जेतेबेले कौरव सेना मानकर संघार होबाकु लागिला, अर्थात जेतेबेले घटोत्कच कौरव सेनार संघार करिबाकु लागिला, सेतेबेले दुर्योधन कहा कथा सुनिले नाही एवं कर्ण को कहिले एही अमोघ अस्त्र को घटोत्कच उपरे व्यवहार करिबाकु, नहले आम परे केही भी सेना बंचिबे नाही। आउ एमिती ही हेला, निजर भल मित्र दुर्योधन कहिबा अनुसारे कर्ण अमोघ अस्त्र अर्जुन परिवर्ते घटोत्कच उपरे चलेले। दर्शक बंधु, कवच कुंडल पळेजिबा परे अमोघ अस्त्र नथिबा सत्वे मध्य कर्ण अपहार शक्तिर अधिकारी थिला। युद्धर सतर दिन शल्यंकु कर्णंकर सारथी बनागला, एवं सेही दिन कर्ण युधिष्ठिरंकु हरेकि कुंतिंकु देइथिबा वचनकु स्मरण करी तांकर प्राण नेले नाही। एहा परे अर्जुन सहित से युद्ध करिले। कर्ण और अर्जुनक मध्यरे भयंकर युद्ध हैला। जेतेबेले अर्जुन बाण चलेइले ताहा कर्णंकर रथरे बाजिला, एवं रथ बहुत दूर को पछकु पळैला, एवं जेतेबेले कर्ण बाण चलांती सेतेबेले अर्जुनक रथ किछि मात्र पाद पछकु हटि जाए। एमितिरे श्रीकृष्ण कर्णंकर प्रशंसा करिबाकु लागि जांती। सेतिक बेले अर्जुन भगवान को कहंती, आपण कर्णकर प्रशंसा करुछंती जहांकर बाण जोगु आमर रथ मात्र अल्प किछि पाद ही पछकु जाउछि, किंतु मोर बाण तो तार रथ को केते मीटर पछकु हटै देउछि। आहु एक कथा सुनी श्रीकृष्ण स्मित हस्य दियंती। सेतेबेले हठात कर्णंकर रथर चका माटी भितरे फसी जाए, एवं एहार सुजोगर फायदा नै श्रीकृष्ण अर्जुन को सर चलेबाकु कहंती। बहुत ही कुंठित मनरे अर्जुन असहाय अवस्था कर्णंकर बद्ध कर दियंती, एहा परे कौरव माने निजर उत्साह को हरै दियंती। तांकर मनोबल भांगी जाए एवं शल्य को सेमानंकर प्रधान सेनापति करा जाए, किंतु तांकु मध्य युधिष्ठिर निजर शेष पर्यंत मारि दियंती। दर्शक बंधु, प्रकृतरे हनुमानंकर कृपारु ही अर्जुन बंची पारिथिले। कहा जाए कि अर्जुन को अनेक थर
ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଜୀବନ ଦିଆ ବି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜ ଉପରେ ବସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ହୁଏ ଯେବେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତ ସେହି ରଥ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ଓଜନକୁ ସହିଥିବ ସେହି ବିଶେଷ ରଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ।